लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रदेश में बिजली बिल की दरों में वृद्धि व लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस संगठन पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। जगदलपुर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बिजली बिल को हाफ किया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने बिजली बिल की दरों में 80% बढ़ा दिया है और प्रदेश की जनता के ऊपर बिजली बिल का भार आ गया है। कल 8 तारीख को पूरे प्रदेश भर के ब्लॉकों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में सरकार की लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली की दरों में लगातार वृद्धि कर रही है और हमारी सरकार की बिजली बिल ऑफ योजनाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया और महंगी बिजली देने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को कर रही है। इसके विरोध में कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ब्लॉक स्तर में धरना प्रदर्शन कर बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने के लिए मांग करेगी और साथ ही कि छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ती बिजली देने के लिए मांग करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना लागू कर पूरे प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया, वही योजना फिर से लागू करे, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल मांग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से करेगी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।